अगर आपने आपके बच्चे के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, आप उसे असेंबल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे इसको असेंबल करना है, चार्जर कैसे लगाना है, 2x2 कैसे चलानी है, 4x4 कैसे चलानी है, सभी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के लिए चलती हूँ ये इस वीडियो पर। सबसे पहले हम इसके पार्ट देखेंगे, इसमें क्या क्या है। ये देखिए इसकी बॉडी स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ये हो गया आगे वाले पार्ट, ये इसके टायर हो गए और ये इसकी सीट होगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके आगे वाले टायर हैं जी, उसको लगाएंगे। ये देखिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, 1x1 सभी बताया जाएगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में बता सकते हैं आप। ये देखिए सबसे पहले टायर को मोटर में डालना है, उसके बाद नट को टाइट करना है। ये देखिए हाथ से भी टाइट कर सकते हैं थोड़ा, उसके बाद चाबी पाने से कर सकते हैं, उसके बाद ये ढक्कन लगा देने हैं। ठीक है, ये अपने नट लगाए ना, उसको कवर करने के लिए होते हैं। अब दूसरे वाले टायर को लगाएंगे। किसी भी टायर को किसी भी कॉर्नर पे किसी भी साइड पे लगा दो, कोई आगे पीछे टायर का कोई इश्यू नहीं है इसमें। ज़्यादातर गाड़ी में होता है कि जो पीछे वाले टायर होते हैं वो अलग होते हैं, आगे वाले अलग होते हैं। इसके सभी टायर सेम हैं, ये 4x4 गाड़ी होती है ना जो, उसके सारे सेम ही होते हैं। ये देखिए थोड़ा टाइट करना हाथ से, उसके बाद पन्ने से। ठीक है, 17 नंबर का चाबी पन्ना आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ढक्कन लगा दो। ठीक है, आगे वाले टायर तो हो गए, जो पीछे वाले टायर हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये दोनों टायर ना एक रॉड में होते हैं, इसको एक साथ ही टाइट करना पड़ता है। ये देखिए पहले हमने इसका नट को उतार दिया, दोनों टायर को एक साथ ही फिट होना पड़ता है। ये देखिए ये हो गया, थोड़ा नट को टाइट कर दो हाथ से, ध्यान से देखना दोनों टायर को एक साथ ही टाइट करना है आपने। ये भी हो गया। ठीक है, अगर आपकी रॉड कम पड़ जाए छोटी पड़ जाए ना, तो थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में हो जाती है इसकी रॉड। ये देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा अपनी तरफ खींचना है इसको, ये हो गया। अब इस दोनों नट को ना हम टाइट करेंगे, देखिए कैसे कसेंगे। ये देखिए 1x1, एक को मत टाइट करना, एक बारी लेफ्ट वाले को, एक वाले राइट को, एक बारी राइट को, एक बारी लेफ्ट को, दोनों को टाइट करना है। ये हो गया आपके पीछे वाले टायर। अब इसमें ढक्कन से लगाई दो, चारों के चारों ढक्कन हो गए। अगर आप इसे 4x4 चलाना चाहते हैं तो 4x4 भी चला सकते हैं, तो 2x2 भी चला सकते हैं। ये देखो ये इसकी मोटर होती है, ये इसकी मोटर होगी, ये मोटर होगी, ये मोटर होगी। ठीक है, यहाँ इसका प्लग दिया होगा, ये देखिए इसको निकाल दो और इसको निकाल दो। ठीक है, ये 2x2 हो जाएगी, अगर इसको लगा दोगे तो 4x4। ठीक है, दोनों फीचर में काम करती है ये, 4x4 भी तो 2x2 भी। अब देखिए इसका स्टेयरिंग कैसे लगाना है। ये देखिए इसका कनेक्शन होता है, इसका ना कनेक्शन होता है, हॉर्न वगैरह म्यूजिक वगैरह ना उस कनेक्शन से वजह से चलते हैं। पहले आपने इसका कनेक्शन करना है। ये देखिए इसका प्लग है, प्लग को आपस में जोड़ना है, जो एक्स्ट्रा वायर है उसको बड़े ध्यान से प्यार से ना नीचे की ओर कर देना है, उसके बाद ऊपर से पुश कर दो। ये देखिए लॉक सिस्टम ही होता है, ज़्यादातर गाड़ी में तो क्रॉस नट डलता है स्टेयरिंग पे, लेकिन इसका लॉक सिस्टम है। अब देखिए जो आगे बड़ी ग्रिल होती है उसको कैसे लगाना है। इसके इसमें भी लाइट दी है आपको, इसका प्लग आप अपनी अकॉर्डिंग पा सकते हैं।
अगर आप लाइट चलाना चाहते हो तो इसका जो नीचे वाला प्लग है तो उसको पा लो। अगर आप नहीं चाहते, ये देखिए साइड मिरर कैसे लगाने हैं, ये देखिए ऊपर से पुश करने हैं, ऊपर से पुश करना है बस नीचे की, और जो साइड वाली ग्रिल लगाई है ना, इस साइड के ना ग्रिल के ना देखिए नट लगेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड नट लगाने हैं आपने। लेफ्ट राइट दोनों साइड नट लगाने हैं आपने ग्रिल्स, ठीक है। अब हो गया अपना दूसरे वाला साइड मिरर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका जो आगे वाला फ्रंट सा होता है ना, उसको कैसे लगाना है, जो बॉर्न सा होता है, पहले गाड़ी को सीधी खड़ी करना है आपने। ये देखिए अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो उसको पकड़ा सकते हैं, अगर आप अकेले भी हैं आप अकेले भी लगा सकते हैं। इस पे ना आपको तीन नट लगाने होते हैं, तीन नीचे लगते हैं और दो सामने लगते हैं बिल्कुल इसके फ्रंट पे। ये देखिए ऊपर से थोड़ा पुश करना है आपने, थोड़ा हाथ से दबाना है, उसके बाद नीचे इसके ये तीन नट लगाने हैं आपने। एक प्लग भी डालना होता है, ये देखिए इसका कनेक्शन का प्लग होता है, इससे लाइट चलती है। ये हो गया आपका और ये हो गया, तीनों नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है आपने। अगर आपने ये लूज छोड़ दिया ना, कई बार हो सकता है ना आपने जब गाड़ी को ना हम यहाँ से खींच लेते हैं, जब बच्चा खींच लेता है ये टूट सकता है, अगर आपने ये तीनों नट ना लगाए, ठीक है। किसी भी नट को लूज मत छोड़ना और तीनों को लगाना है। अब देखिए सामने नट कहाँ लगाना है, ये देखिए बिल्कुल मत्थे पे, इसके टक्कर पे, ये देखिए यहाँ, ये भी हो गया आपका। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड लगाना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ यार, मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हो गया इसका कनेक्शन। कोई भी प्लग हो आपको सभी को डालना, आपस में जोड़ना होता है, कुछ खास नहीं होता। अब देखिए जो पीछे वाली स्टिपनी होती है ना, उसको कैसे लगाना है, ये दराज टाइप होती है, ये देखिए बस इसको तो कोई नट नहीं लगाना पड़ता। ये देखिए बस ऊपर से, ऊपर से नीचे की ओर करना है, ये देखिए बस ये हो गया आपका, इजी है। अब देखिए कनेक्शन कैसे करना है, आपस में जोड़ना है इस प्लग को। ज़्यादातर गाड़ी पे तो जो एक वायर लगानी होती है, रेड या ब्लैक कोई भी हो सकती है, इसका आपने बस प्लग डालना है आपस में, ये हो गया। अब देखिए सीट लगानी, ये देखिए सीट थोड़ा पीछे करना है, उसके बाद दोनों साइड नट लगाने हैं सीट के, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड नट लगाने हैं आपने। सीट बेल्ट दी होगी आपको, सीट बेल्ट ऊपर निकालना है, कई बार हो सकता है जो सीट के नीचे चली जाती है, ये हो गया आपकी सीट। अब जो स्टिपनी है ना उस पर भी ढक्कन लगा दो, जो फैंसी ढक्कन सी है ना इसका भी लगा दो। अब देखिए इसकी ये रिमोट से कैसे चलेगी, रिमोट की कनेक्टिविटी होती है गाड़ी के साथ, ऐसे नहीं चलेगा अगर आप ऐसे ही सेल डाल दोगे, रिमोट के साथ नहीं चलेगी। सबसे पहले आपने ये कि इस पर सेल डालनी है, दो सेल डालनी है, रिमोट वाले सेल होते हैं ट्रिपल ए वाले, गाड़ी को ऑफ रखना है। ये देखिए रिमोट पे कोई लाइट नहीं चलनी चाहिए, ये देखिए ऐसे रखना है रिमोट, गाड़ी को ऑफ रखना है, गाड़ी को ऑन मत करना, ठीक है। ये आगे और पीछे वाली स्विच को दोनों को लंबा टाइम प्रेस करना है, उसके बाद गाड़ी को, ये देखिए कैसे करता है काम, ये हो गया। अब ये देखिए मैनुअल कैसे चलानी है, वाली स्विच आगे जाएगी, पीछे वाली से पीछे आएगी, ये हो गया मैनुअल।
आप देखिए चार्जर कहाँ लगाना है, कई बार ना आप ढूंढते रहते हैं चार्जर, आपको मालूम नहीं पड़ता कहाँ लगाना पड़ता है। ये देखिए इसकी पीछे सी होगी, यहाँ देखिए यहाँ बच्चे के घुटने आएंगे ना, वहाँ चार्जर लगे है, ये देखिए उस पर डालो। ये देखिए भाई आपकी कितनी सुंदर गाड़ी तैयार होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।